ओंकारेश्वर नगर परिषद द्वारा नए बस स्टैंड पर चेक पोस्ट बनाई गई। परिषद के कर्मचारी मास्क बेच रहे हैं, वहीं शहर में मास्क नहीं लगाने एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को लेकर चालानी कार्यवाही की घोषणा की गई थी। ओंकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी में लॉकडाउन के चलते धार्मिक स्थलों के प्रवेश और नर्मदा तट पर स्नान करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया था, जो वर्तमान में भी बरकरार है। लेकिन प्रदेश में अनलॉक की घोषणा होते ही नगर में चहल पहल शुरू हो गई। इसी के चलते चेकपोस्ट से नगर परिषद के कर्मचारी कपड़े के मास्क 11 रुपए में बेच रहे हैं। चेकपोस्ट प्रभारी सोहन लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर परिषद के निर्णय के अनुसार ही मास्क विक्रय कर रहे हैं। नगर परिषद से जो ये चेक पॉइंट लगाया है, हम यहाँ से ये मास्क उपलब्ध करा रहे हैं आने जाने वालों के लिए, ताकि हमारा ओंकारेश्वर सुरक्षित रहे, कोरोना से बचाव हो सके, संक्रमण ना फैले। और आने जाने वालों को हम बेकायदा चेक करते हैं, उनसे पूछते हैं, तभी उनके आने जाने की अनुमति देते हैं। मास्क का कितना शुल्क ले रहे हैं? मास्क का निर्धारित शुल्क 11 रुपए है, हम यही लेते हैं। नगर परिषद के द्वारा तय किया गया है? जी, नगर परिषद के द्वारा तय किया है।